नमस्कार, मैं आपको अभी हिरण नदी दिखा रहा हूँ। और हिरण नदी यह कटंगी के पास का एक स्थान जो हिरण नदी के किनारे स्थित है, उस स्थान का नाम है अचल धाम। अचल धाम जाने के लिए हम कटंगी के पहले एक चरगवा करके एक गांव आता है, उसके मोड़ से अपन, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अपन मुड़े हैं कटंगी के थोड़ा सा पहले, जो शहर में अंदर जाने से पहले। ये अपन जब कटंगी जाते हैं उस समय ये पहाड़ियाँ अपने को बहुत आकर्षित करती हैं। कटंगी का ये मैं आपको छोटा सा अभी मैंने मंदिर दिखाया, जो जगदीश मंदिर लगभग 500 साल प्राचीन है। अब इसी रोड से अपन आगे बढ़ते हैं तो लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर जा कर के अचल धाम, यह एक सिद्ध स्थान है। लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है ऊपर, और एक वहाँ वृहद गुफा है। ये अपन चले आ रहे हैं, आप देखें, ये अचल धाम के मैंने आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए दूर से कितने ऊपर है ये। ये नाथ संप्रदाय का, नाथों का, और ऊपर भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति है, और वहीं पे एक गुफा बनी हुई है। अपन अभी अचल धाम के पहले जो गांव है, ये गांव दिखाता हूँ आपको। यहाँ विकास बहुत ही कम है, लोग खपरेल के मकान में आज भी निवासरत रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरे मकान इस गांव के, लगभग 250-300 लोगों की ये बस्ती है। और ये आप देख सकते हैं आदिवासी वनवासी परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। अभी अपन देख सकते हैं आप लोग, ये इस प्रकार की एक छोटी सी बस्ती और इस धाम से लगी हुई है, बिल्कुल आखिरी का गांव है। इसके बाद रास्ते नहीं है, हिरण नदी को पार करने के बाद ही पाटन रोड पे जाया जा सकता है, नहीं तो वापस कटंगी आना पड़ता है। इस प्रकार का यह जंगल का गांव है। और यहाँ पे इसी गांव में पहाड़ के ऊपर अचल धाम, यह स्थान जो है वो है। तो यह गांव भी मैंने आपको दिखाया किस प्रकार की इस गांव में गरीबी है, कैसे घर हैं, कैसे लोग रहते हैं। सामने की पहाड़ी पे अचल धाम है, आप देख सकते हैं किस प्रकार की झोपड़ियां हैं यहाँ पे। और अब अपन धीरे धीरे और अचल धाम की ओर चलेंगे। यह भी एक पुराना सा मकान दिखा रहा हूँ आपको बरसात में। यह अचल धाम जो है, ये नीचे एक आश्रम बना हुआ है, और यहाँ पे प्रत्येक संक्रांति को मेला भरता है। हर नदी के किनारे कुछ ना कोई मेले भरते हैं, ऐसे ही हिरण नदी का यह जो सिद्ध स्थान है, इसके किनारे भी संक्रांत का बहुत बड़ा मेला भरता है। यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, आश्रम के अंदर हनुमान जी, सिद्ध जी, भोलेनाथ जी की मूर्तियाँ हैं। और ये जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, लगभग 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद यह स्थान आता है। अपन पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद अचल धाम को चढ़ना चालू करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी अपन आश्रम के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ आश्रम के बाहर तरफ सिद्ध हनुमान जी का यह स्थान है, और यहीं से रास्ता ऊपर जाने का है। अभी गांव वालों ने धीरे धीरे करके और अचल धाम तक के लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दी हैं, जो बहुत ही आरामदायक सीढ़ियां हैं, और आराम से यहां चढ़ा जा सकता है। घनघोर जंगल है, पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है, और अध्यात्म के लिए भी अच्छा है। अपन देखते हैं कटंगी का ये पहाड़ हम सबको आकर्षित करते, चाहे हम पाटन रोड से कटंगी आए, चाहे जबलपुर से कटंगी जाएं, चाहे सिंगोरगढ़ रास्ते पे जाएं, तो ये पहाड़ियाँ हम दूर से देख सकते हैं। अभी हम ये सीढ़ियाँ देखिए, इस प्रकार की कच्ची सीढ़ी बनी हुई है और ऊपर कुछ पक्की है, और अब अपन ये सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही आरामदायक सीढ़ियाँ हैं, आराम से अपन 15 से 20 मिनट में ऊपर तक चढ़ सकते हैं।
और लगभग अभी मैं 100 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ और आगे का सफ़र और चल रहा है। देखिए अभी 200 सीढ़ियाँ पार करने के बाद ऊपर से मैं आपको हिरण नदी के दर्शन भी कराऊंगा। ये लगभग ढाई सौ 300 सीढ़ियों के बीच का स्थान है और धीरे धीरे और अपन ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। यहाँ ऊपर से अपन किस प्रकार से सामने से और हिरण मैया जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, कुंडम के तालाब से प्रारंभ होकर और सांकल घाट में नर्मदा मई में पूर्ण होती है, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा है उसके पहले हीरापुर के पास। नर्मदा परिक्रमा वासियों को इस नदी के अंदर से और पैर रखते हुए क्रॉस करना पड़ता है। ये देखिए अभी हम बहुत पास में आ गए, लगभग 500 सीढ़ियाँ 450 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके हैं और अब लगभग मंदिर के क्षेत्र में और पहुँचने वाले। ऊपर से मैं आपको विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ बहुत दूर दूर का। ये देखिए आप, नीचे सड़क है और सामने हिरण मैया है, हिरण नदी है। ये देखिए आप, हिरण नदी का एक बहुत दृश्य आपको एक और दिखाता हूँ। हिरण नदी कुंडम से बघरा जी, बघरा जी से मझोली, मझोली से कटंगी, कटंगी से पाटन और पाटन से फिर आगे मिलती। ऊपर अपन जब पहुँच गए अभी स्थान पे, यहाँ बहुत प्राचीन और विष्णु भगवान की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। यह मूर्ति बहुत ही प्राचीन है, इस गुफा के पास में है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक माई रहा करती थी और वो पत्थर से उसका सिर टकराने से उसकी मृत्यु हुई, तो उसका जो हाथ में जो गोबर लगा हुआ था वो आज भी वहाँ पे लगा हुआ है, जो मिटता नहीं है। यहाँ इस मंदिर में लगा हुआ यह सिद्ध का स्थान है और यहीं पे जो आपको मैं कह रहा था कि एक प्राचीन गुफा है इसी मंदिर में, उसके भी दर्शन कराता हूँ। ये ऊपर देखिए भगवती और सिद्ध जी, अचल जी, और ये अंदर से आपके गुफा के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। देखिए कितनी गहरी गुफा है, ऐसे कहते हैं कि ये गुफा पूरी सिंगोरगढ़ तक निकलती है। इसका जो मुँह है बहुत छोटा हो गया अभी, पर फिर भी यहाँ से आना जाना पुराने ज़माने में रहा है। देखिए अभी चमगादड़ जाते हैं, पर ये बहुत ही बहुत लंबी गुफा है। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ से दिख रही है, पर इसके अंदर अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया है। कोई भविष्य में करेगा तो निश्चित रूप से कुछ नए शोध आएंगे। यह गुफा बहुत लंबी गुफा मानी जाती है, इसलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आराम से बैठ करके यहाँ व्यक्ति साधना भी कर सकते हैं। ऊपर बैठने के लिए भी बहुत स्थान है, ठंड के दिनों में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यह नाथ धुना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं महात्मा जी का, भगवान शंकर, हनुमान जी, जोगनी माता, दुर्गा जी और साक्षात विष्णु जी।